हेलो जी, वेलकम टू माहीज डायरी। तो ये है वो पानी जो ढोकले में जान डाल देता है। बाहर से हम लोग ढोकला खाते हैं, बेकरी का खाते हैं, कहीं से खाते हैं, तो पानी वाला ढोकला कितना अच्छा लगता है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आप घर पर कैसे ला सकते हो। क्विक एंड ईजी एक रेसिपी शेयर करूँगी मैं ढोकले की, क्योंकि आज का वीडियो में ज़्यादा फोकस हम लोग पानी पे ही करेंगे, ठीक है। तो झटपट सी एक ढोकले की रेसिपी बताऊंगी, जिससे बिल्कुल परफेक्ट ढोकला बनता है बिना किसी फेल अटेम्प्ट के। एंड में कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगी, सो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। अब ढोकला बनाने के तरीके तो बहुत है, आप घर पर सामान इकट्ठा करके घर की चीज़ों से ढोकला बना सकते हो। ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, या फिर ये इजी तरीका है, आप पैकेट वाला ढोकला बना लो। आजकल ये जो बाय वन गेट वन वाली स्कीम चलती है ना MTR की, सीरियसली इसने मुझे आलसी बना दिया है। कोई इन्ग्रीडियंट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको मेजरमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं। पैकेट्स पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसे फॉलो करो, दो चीज़ें बस ऐड करो आप, तेल और पानी, दैट्स इट। बैटर घोलो, उसके बाद आप थाली को इस तरह से ग्रीस करके बैटर डालो और स्टीम करो। कितना आसान हो गया ना ढोकला बनाना। आप इस तरह से केक टिन यूज़ कर सकते हो, इडली के मोल्ड यूज़ कर सकते हो, और आप स्टीम करो ढोकले को, पतीला या कढ़ाई कुछ भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। पानी डालो थोड़ा सा, 2 गिलास, ठीक है। 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर उसको स्टीम करना है, ठीक है। धुआं बाहर ना निकले इसलिए आप आटे के साथ उसको थोड़ा सा लॉक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्टीम दिलवाई, उसका नाइफ टेस्ट किया, परफेक्टली बन चुका था, तो बस उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अगर आपको घर की चीज़ों से ढोकला बनाना है तो वो वीडियो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था बहुत ही क्विक और इजी मेथड ढोकला बनाने का। अब बनाते हैं तड़का पानी वाला, जिससे ढोकले में जान आएगी। तो तड़के के लिए आपको चाहिए तेल, राई, कड़ी पत्ता। अगर कड़ी पत्ते का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप भी मेरी तरह ज़्यादा ऐड कर सकते हो। गैस फ्लेम को लो टू मीडियम रखना, ताकि कड़ी पत्ता जले नहीं, ब्राउन ना हो, ठीक है। ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। 1.5 गिलास मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। जितना ढोकला मैंने बनाया उससे कम तो कोई नहीं बनाएगा, तो एटलीस्ट 1.5 गिलास पानी वाला तड़का ज़रूर तैयार करो, ठीक है। 3 से 4 हरी मिर्च मैंने ऐड की है, 4 चम्मच चीनी, और साथ में 1/2 चम्मच सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की जगह अगर आप लोग बोलो कि मैं नींबू ऐड कर लूँ, तो मैं आपको बता दूँ बाजार जैसा टेस्ट नहीं आएगा। अगर बिल्कुल बाज़ार में जो ढोकला खाते हो वैसा टेस्ट चाहिए ना, तो सिट्रिक एसिड ही ऐड करना। आपको सिंपली 2-3 मिनट इसको बॉयल करवाना है, कोई चाशनी नहीं बनानी हमने। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हो, जब 2-3 बॉयल आ जाएंगे आप इसको टेस्ट करो, आपको मीठा खट्टापन सेम वैसा लगेगा जैसे आप बाज़ार में ढोकला खाते हो ना, आपको लगेगा हम वही पानी पी रहे हैं एग्जैक्टली। तो उसके बाद पानी को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दो और अपने ढोकले को कर लो डीमोल्ड। थोड़ी सी बड़ी थाली ले लो इस तरह से, ठीक है, एजिस वाली, या फिर आप बाउल ले सकते हो, ताकि जब आप पानी ऐड करो उसमें तो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। इसलिए इस तरह से थाली में खोल के थोड़ा सा फैला लो, फिर ऊपर से आप पानी ऐड कर दो। पानी थोड़ा सा गर्म भी है तो कोई बात नहीं, आप पानी ऐड करो और इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दो, बिकॉज अभी ये खाने वाली हालत में नहीं है। इसमें ऊपर ऊपर आपको पानी लगेगा ज़रूर, बट इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है अभी। इसको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए रेस्ट करवाओ या फ्रीज़र में रख दो। मैं तो कहती हूँ, मैं हमेशा फ्रीज़र में ही रख देती हूँ। एक तो फटाफट से ठंडा हो जाता है, ऊपर से पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और खाने में मज़ा आ जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना विद बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल सके। और अगर घर पर ढोकला बनाना है बेसन से, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना। चलिए, बाय बाय।